डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रस्तावित विस्तार योजना को लेकर भले ही सरकार की ओर से ठेका आवंटित किया गया हो, लेकिन अब तक अचानक ही ठेका रद्द किए जाने को चुनौती देती हुई जीएमआर कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि लंबे समय से मसला हाईकोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन अब केंद्र सरकार नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है। यहाँ तक कि इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है, अतः थर्ड पार्टी की दखलंदाजी होने से पहले अदालत में याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया। सरकारी पक्ष की ओर से हलफनामा पेश करने के लिए समय देने का अनुरोध किए जाने के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्री और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने 1 जुलाई को लगभग 2 बजे अंतिम सुनवाई करने के आदेश दिए। बुधवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने अदालत से कहा कि हवाई अड्डे का निजीकरण करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है, इस तरह की खबरें प्रकाशित हो रही है। हालांकि 1 जुलाई को अंतिम सुनवाई तो होगी, लेकिन इस दौरान यदि थर्ड पार्टी की दखलंदाजी निश्चित की गई तो याचिकाकर्ता के लिए अड़चन होगी, अतः उस समय राहत देने की मांग का विकल्प होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने ऐसी समस्या उत्पन्न होने पर राहत के लिए मांग करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। गत सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि सरकार की ओर से ठेका आवंटित करने के बाद याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से यहां पर कार्यालय भी स्थापित कर दिया है, यहां तक कि पूरी तैयारियां की जा चुकी है, लेकिन अब अचानक ही ठेका रद्द किया गया। विरोध करते हुए भामरे ने कहा कि सरकार की ओर से गत वर्ष ही इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है, जबकि वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर याचिकाकर्ता का मानना था कि चूंकि कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है, अतः कम से कम याचिका पर फैसला होने तक सरकारी फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर यदि कोई नया टेंडर जारी किया जाता है तो वह अदालत के फैसले के अधीन होने के आदेश भी दिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।